जमीन की लालच में देवर ने भाभी को तलवार से काटा। गंभीर हालत में संजय गांधी हॉस्पिटल में कराया गया उपचार हेतु भर्ती। आरोपी हुआ गिरफ्तार। सिरमौर थाना के राजगढ़ का मामला। रीवा सिरमौर जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत राजगढ़ में देवर द्वारा जमीन की लालच में आकर अपनी सगी भाभी को तलवार से काट डाला। जानकारी के अनुसार बेवा उर्मिला सिंह पति स्वर्गीय मतगेंद्र सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी राजगढ़ थाना सिरमौर के ऊपर उसके देवर कृष्णा नारायण सिंह पुत्र पारखत सिंह ने महिला के घर में घुसकर तलवार से हमला कर दिया। हमले में घायल महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की सूचना सिरमौर थाने को दे दी गई। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना शुक्रवार बीती रात्रि 8 बजे की बताई जा रही है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे सिरमौर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दिनांक 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई? ये ग्राम पंचायत राजगढ़ में सड़क के पास है। ये हमारी चाची जी हैं, वो रहती हैं वहाँ पे, और ये जमीन संबंधी विवाद हुआ जिसके कारण वो उनके सगे देवर हैं और हमारे रिश्ते में चचेरे चाचा जी हैं। नाम क्या है उनका? कृष्ण नारायण सिंह नाम है उनका, जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। और विवाद का मुख्य कारण क्या था? सिर्फ जमीन का कारण था। वो अपनी जमीन जो उनके नाम पे थी वो बेचना चाह रही थी और ये विरोध कर रहे थे कि हम जमीन नहीं बेचने देंगे, यही मुख्य कारण है। कब कितने बजे की घटना है? कल ये 8:30 रात की घटना है। वो अचानक पहुँचे और तलवार से उन्होंने तकरीबन 20 से 25 बार उनके ऊपर आघात किया है। तो क्या आरोपी अकेले थे मारपीट करने गया? गांव वालों के बताए अनुसार वो अकेले ही थे। और कोई घायल हुआ है कि नहीं? नहीं, बस इन्हीं के ऊपर उन्होंने, मतलब उन्होंने तो मृतक करके ही छोड़ा था, फिर वहाँ से निकल गए और जो वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ थी उनको धमका गया कि तुम लोग अभी हल्ला करोगे, तुम लोग भी काट डालेंगे। अच्छा, पुलिस कस्टडी में आ गए हैं कि फरार हो गए? अभी पुलिस उसमें कोई मुझे एक्शन लेती समझ में नहीं आ रही है, कहाँ क्या कर रही है, बस बेफालतू की इधर उधर गवाहों को इकट्ठा कर रही है। वो अभी एक्शन के मूड में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि है। क्या नाम है? सुदीप सिंह नाम है मेरा। आपकी कौन है? मेरी चाची जी है। मारपीट की घटना हुई, वो भी हमारे रिश्ते में चाचा जी है। बताया जा रहा है कि उनके साथ उस जमीन के लेकर कोई विवाद था, जिसके कारण ये वारदात हुई। कितने लोग की मारपीट करने वाले? किस चीज़ से मारपीट की है? एक ही आदमी किसने प्रताप से मारपीट कर, उन्होंने तलवार से, बताया गया है जैसे वहाँ पे तलवार से वारदात हुई। ये विवाद का कारण क्या था? जमीन से जुड़ी वो था कि वो अपनी जमीन विक्रय कर रही थी, उनके नाम पे जमीन थी और वो उसका विरोध कर रहे थे कि मत दो फिर, इसी के कारण ये सब। कब कितने बजे की घटना है? कहाँ की घटना है? ये ग्राम पंचायत राजगढ़ की घटना है। ये तकरीबन 8:30 रात में के दिन 8:30 रात को। अब हालत कैसी है उनकी? हालत काफ़ी क्रिटिकल है और अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है। नज़दीकी थानों में सूचना मिली है कि आपके द्वारा दी गई है? हमारा नज़दीकी थाना से बहुत उस पर हमने सूचना दी और फिर वहाँ से हम एक अपने ही गाड़ी में वहाँ पे नज़दीकी चिकित्सालय ले गए, फिर वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया। तो संजय गाड़ी में फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। विवाद पहले चल रहा था तो उसके पहले थानों में आवेदन दिया गया था आपके द्वारा? नहीं, कोई विवाद नहीं, पहले से कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं, विवाद हुआ तत्काल सीधे तलवार चला दिए वो? हाँ, वो मना कर रहे थे कि आप जमीन मत बेचें, जबकि वो विडो हैं, उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, ना उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ है, तो अपना जीवन भरण पोषण के लिए जमीन जो है, जो उनके नाम पे है खुद की जमीन, वो उसका विक्रय करके अपना जीवन भरण पोषण के लिए वो प्रयास रखती है और उनके द्वारा विरोध किया गया, जो उनके देवर हैं कृष्ण नारायण से, और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। नाम क्या आपका? सुदीप सिंह नाम है मेरा।
सर, सिरमौर थाना क्षेत्र में एक महिला के ऊपर तलवार से हमला हुआ है। परिवारिक जमीन का मामला था और लगता है कि रिश्तेदारी जीवन रखते हैं रिश्ते महिला के, उन्हें तलवार मार दी थी। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में ले लिया था। आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी को उसकी तलवार जब्त की और दूसरी कार्रवाई चालू है। आरोपी द्वारा बताया जाएगा उसने चौकी खान के पास से तलवार फेंकी, उसकी तलाश करनी गई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही, पुलिस द्वारा आरोपी गिरफ्तार हो। कितने आरोपी थे सर? एक आरोपी।